हेलो फ्रेंड्स, मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जब भी आपको सुबह या शाम भूख सताए और कुछ चटपटा खाने का मन करे तो इस पराठे को ज़रूर बनाएं। जी हाँ, ये पराठे का टेस्ट बिल्कुल कचौरी समोसे से भी बढ़कर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले हम बेसन में लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, नमक, थोड़ी सी हींग, पुदीने का पाउडर, बारीक कटी हरी मिर्च और प्याज डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, इसमें प्याज डालना ऑप्शनल है, पर मुझे प्याज और बेसन के पराठे पसंद है इसलिए मैंने इसमें बेसन डाला है। अब इसे अच्छे से मिक्स करें। अब इसमें 1/3 कप तेल डालें और अच्छे से मिलाएं। आप इसे हाथ से भी मिला सकते हैं ताकि ये अच्छे से बाइंड हो जाए और एक स्टफिंग तैयार हो जाए। अब हमारे पास ये पहले से गेहूं का आटा गूंधा हुआ है। इसकी छोटी छोटी बॉल्स बनाएं, जैसे कि हम चपाती के लिए बनाते हैं। इसे सूखे आटे से डस्ट करें और छोटी सी पूरी बेलें। फ्रेंड, बाकी आगे का प्रोसेसर तो एकदम सेम है, लेकिन इस स्टफिंग का ही कमाल है। ये स्टफिंग जब पराठे में डलती है और पक जाती है तो बिल्कुल कचौरी और समोसे का जैसा टेस्ट आता है। अब इसे पराठे की तरह फोल्ड करें और इसके एंड्स को अच्छे से सील कर दें ताकि स्टफिंग बाहर ना निकले। अब इसे वापस से सूखे आटे से डस्ट करें और बहुत ही ध्यान से धीरे धीरे बेलें। अगर आप ज़्यादा प्रेशर देंगे तो स्टफिंग बाहर निकल सकती है। अब ये बिल चुका है। ये ज़्यादा पतला और बहुत मोटा भी नहीं होना चाहिए। अब इसे गर्म तवे पर रखें। इस समय फ्लेम मीडियम पर रहनी चाहिए। इसे पलटें और दूसरी साइड से भी सेकें। अब इसे दोबारा से पलटें। अब हम इसके ऊपर तेल लगा लेंगे। फ्रेंड्स, कई लोग तेल पहले से ही लगा देते हैं, इससे पराठा च्यूई हो जाता है। आप दोनों तरफ से हल्का सा सेकें फिर तेल को लगाएं तो पराठा एकदम क्रिस्पी और सॉफ्ट बनेगा। अब देखिए, जब हम तेल लगा रहे हैं तब इस जो गैस की फ्लेम है वो हाई पर रहनी चाहिए, इससे पराठा बाहर से क्रिस्पी बनेगा। देखिए, इस तरह से हमारा बेसन का फटाफट से पराठा बन गया है। आप इसी तरह से सभी पराठे बनाएं। जी हाँ, जब भी बच्चों को भूख लगती है या हमें कुछ लगता है कि आज हमें कुछ खाना है, तब आप इसे फटाफट से बना सकते हैं। मसालों को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, पर इसमें थोड़ा मसाला डालेंगे तभी ये पराठा टेस्टी लगेगा। इसके साथ सब्जी, अचार किसी की भी ज़रूरत नहीं है। देखिए किस तरह से गुब्बारे की तरह हमारा पराठा बना है। तो फ्रेंड्स, इसे ज़रूर बनाएं, खाएं और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। थैंक यू।